इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम या आमंड पावेल का व्यवस्था सिद्धांत। इससे पिछले वीडियो में हमने डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा था, तो जो डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत है उसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं। जबकि जो आमंड पावेल का व्यवस्था सिद्धांत है उसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम भी कहा जाता है। अब इसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्यों कहते हैं? क्योंकि आमंड और पावेल ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में यह बताया था कि इस व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें कौन कौन से प्रकार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं और उन कार्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें कौन कौन से प्रकार्य होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उन प्रकार्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। इसलिए आमंड पावेल के व्यवस्था सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहा जाता है। अब इसको आगे समझते हैं। जो ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है या उपागम है, यह आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में दिया था। जो ये उपागम है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, यह आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में दिया था। अब जो ये व्यवस्था सिद्धांत है या जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, यह आमंड और पावेल ने विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके दिया है। जो विकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनको ध्यान में रख करके दिया है। लेकिन इसकी पुस्तक का क्या नाम है? डेवलपिंग एरियाज, यानी कि जो विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनके लिए यह सिद्धांत दिया गया है। लेकिन किसको ध्यान में रख कर दिया गया है? जो विकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रख करके दिया गया है। यानी कि इसने विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ प्रकार्य बताए हैं और उन प्रकार्यों को पूरा करने वाली कुछ संरचनाएं बताई हैं और इनको ध्यान में रख करके हम जो विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें यह देख सकते हैं कि वहां पर राजनीतिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो जो ये मॉडल है या जो ये उपागम है, यह विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। लेकिन यह किसके लिए तैयार किया गया है? विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। ये तो वो इसकी भूमिका। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या है या जो मॉडल है या जो उपागम है वो क्या है। देखो, हमने डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में पढ़ा था कि एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें आउटपुट आते हैं, आउटपुट प्रवेश करते हैं और आउटपुट कहां से आते हैं? समाज से आते हैं या जो सामाजिक पर्यावरण होता है वहां से आते हैं और इन इनपुट पर राजनीतिक व्यवस्था विचार करती है और फिर उन्हें आउटपुट के रूप में बदल देती है। अब जो ये डेविड स्टन ने यह व्यवस्था सिद्धांत बताया था, इसमें जो आमंड और पावेल है वे जो इनपुट राजनीतिक व्यवस्था इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करती है। तो जो ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, इसमें आमंड और पावेल ने बताया है कि इनपुट के अंदर कौन कौन से प्रकार्य होते हैं और आउटपुट के अंदर कौन कौन से प्रकार्य होते हैं और इन प्रकार्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। अब आगे इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये हो गई एक
राजनीतिक व्यवस्था, क्या हो गई ये राजनीतिक व्यवस्था, और इधर क्या निकलते हैं फिर इससे आउटपुट निकलते हैं, निर्गत निकलते हैं, और इधर से क्या प्रवेश करते हैं इनपुट प्रवेश करते हैं। अब आमंड और पावेल ने इनपुट और आउटपुट का विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने माना है कि जो इनपुट है उसमें चार प्रकार ये होते हैं, चार प्रकार ये होते हैं, एक दो तीन और चार, और इधर आउटपुट में तीन प्रकार ये होते हैं, एक दो और तीन। देखो यहां पर जगह कम है, बोर्ड छोटा है, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाओ उसमें फिर यहां पर जो एक दो तीन चार हैं इनके आगे की साइड में इनके नाम भी लिख लेना। अब देखते हैं कि इनपुट में कौन कौन से प्रकार ये हैं और आउटपुट में कौन कौन से प्रकार ये होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनपुट के प्रकार ये। इनपुट एक साइड में लिख लेते हैं प्रकार ये, प्रकार ये, या इसको बोल सकते हैं फंक्शन, फंक्शन, और दूसरी तरफ इसकी होती हैं संरचनाएं, संरचनाएं। तो सबसे पहला प्रकार ये है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस केवल आपको ध्यान देना है। तो इनपुट है उसमें प्रकार ये देखना है हमें और इसकी संरचनाएं देखनी है। तो सबसे पहला प्रकार ये होता है इनपुट में राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, एवं भर्ती। तो जो राजनीतिक समाजीकरण है एवं भर्ती है उसका मतलब क्या है? देखो राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है कि जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक विश्वास होते हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं उसको राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जो राजनीतिक मूल्य होते हैं या जो राजनीतिक विश्वास होते हैं वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचते हैं उसको राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। और जो राजनीतिक संगठन होते हैं या जो सामाजिक संगठन होते हैं उसमें जो व्यक्ति है वो उसकी फिर क्या होती है? भर्ती होती है। तो ये जो प्रकार ये है ये किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ये पूरा किया जाता है परिवार, परिवार या फिर मित्र मंडली, मित्र मंडली, यानी हमारे जो दोस्तों का समूह होता है। उसके अलावा जो शैक्षिक संस्थान है जैसे स्कूल कॉलेज, उसके अलावा धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद चर्च, इन सभी के द्वारा यह प्रकार ये पूरा किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण का कार्य ये संरचनाएं पूरा करती हैं। तो ये तो गया हमारा इनपुट में पहला प्रकार ये और उसकी संरचना। अब दूसरा प्रकार ये है हित स्पष्टीकरण, हित स्पष्टीकरण। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ हित होते हैं, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो फिर जिन व्यक्तियों का एक जैसा हित होता है, एक समान हित होता है, वे व्यक्ति मिलकर के हित समूहों का निर्माण कर लेते हैं। तो हित स्पष्टीकरण किसके माध्यम से होता है? हित समूहों के माध्यम से होता है। तो जो दूसरा प्रकार ये है इनपुट में हित स्पष्टीकरण, उसके लिए संरचना कौन सी होती है? हित समूह है, होती है। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा प्रकार ये है इनपुट में, तीसरा प्रकार ये है हित समूहीकरण, हित समूहीकरण या एकीकरण, या हित एकीकरण। इसका मतलब है कि देखो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हित होते हैं और समाज में हितों के आधार पर विभिन्न प्रकार के हित समूह है बन जाते हैं। इनमें से कुछ हित समूह है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं जबकि दूसरे हित समूह है कमजोर होते हैं। ऐसे में जो शक्तिशाली हित समूह होते हैं वे अपने हितों की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं और कमजोर हित समूह है अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं।
इसलिए विभिन्न हित समूहों में सामंजस्य किया जाता है, संतुलन किया जाता है, और यह है संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हित समूहीकरण कहलाती है। विभिन्न हित समूहों में संतुलन बनाना क्या कहलाता है, हित समूहीकरण या हित एकीकरण कहलाता है। और यह कार्य त्रिकोण से संरचना करती है, इधर क्या है हमारी संरचना है, तो यह कार्य करता है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। देखो विभिन्न जो हित समूह होते हैं उनके हितों की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है, और सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है, राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई जाती है। तो जो इनपुट में हमारा तीसरा प्रकार यह है हित समूहीकरण, वह कौन सी संरचना द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। अब चौथा प्रकार यह है राजनीतिक संचार, राजनीतिक संचार, राजनीतिक संचार। और राजनीतिक संचार का मतलब है कि सरकार जो निर्णय करती है उन निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचाना, और जनता जो मांगे करती है उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचाना या फिर राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं राजनीतिक संचार। आमंड और पावेल कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त होता है, खून होता है, उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का खून क्या होता है, राजनीतिक संचार होता है। यदि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह है न हो तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार यदि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार ना हो तो राजनीतिक व्यवस्था जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार आवश्यक होता है। और जो ये प्रकार ये है राजनीतिक संचार का प्रकार ये है, ये किसके द्वारा पूरा किया जाता है, संचार साधनों के द्वारा पूरा किया जाता है, संचार साधनों के द्वारा पूरा किया जाता है। तो यह हो गया हमारा इनपुट। इनपुट में आमंड और पावेल ने चार प्रकार के कार्य बताए हैं और उनके लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वे भी बताए हैं। अब जैसे एक बार फिर से देखते हैं, जो हमारा इनपुट है, इनपुट है उसमें चार प्रकार के प्रकार ये हैं और उनका पूरा करने के लिए कुछ फिर संरचनाएं हैं। तो इनपुट में पहला प्रकार ये कौन सा था, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, एवं भर्ती। इसको पूरा करने का काम कौन करता है, परिवार, परिवार या फिर मित्र मंडली, मित्र मंडली। इसके अलावा शैक्षिक संस्थान जैसे कि स्कूल कॉलेज, उसके अलावा धार्मिक संस्थान जैसे कि मंदिर चर्च मस्जिद, इन सभी के द्वारा ये जो पहला प्रकार ये है ये पूरा किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था हित स्पष्टीकरण, हित स्पष्टीकरण। और इस हित स्पष्टीकरण को पूरा कौन सी संरचना करती है, वो है हित समूह है, हित समूह है, या इसको दबाव समूह भी बोल सकते हैं। तीसरा प्रकार ये था हित एकीकरण, हित एकीकरण। और ये कौन करता है, इसके लिए कौन सी संरचना होती है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। और चौथा कौन सा था, चौथा था राजनीतिक संचार, राजनीतिक संचार। और राजनीतिक संचार कौन करता है, संचार साधन, संचार साधन, जैसे रेडियो टेलीविजन अखबार, ये सभी किसमें आते हैं, संचार साधनों में आते हैं। तो ये तो गया हमारा इनपुट। अब देखते हैं आउटपुट, आमंड और पावेल के अनुसार आउटपुट के कौन कौन से प्रकार ये होते हैं, या आउटपुट में कौन कौन से प्रकार ये शामिल होते हैं, और उन प्रकारों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। आउटपुट देखो, आउटपुट में तीन प्रकार ये होते हैं और इनको पूरा करने के लिए तीन संरचनाएं होती हैं, तीन संरचनाएं होती हैं। पहला है नियम निर्माण, नियम बोल लो या फिर कानून बोल लो एक ही बात है, नियम निर्माण। दूसरा प्रकार ये है
नियम क्रियान्वयन, नियम क्रियान्वयन, और तीसरा है नियम अधिनिर्णय, अधिनिर्णय। देखो जब राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट के माध्यम से कुछ मांगे जाती हैं या जब राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट निवेश किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था उन मांगों को या उन इनपुट को आउटपुट के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब आउटपुट तीन प्रकार के होते हैं या आउटपुट में तीन प्रकार के होते हैं, नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन, नियम अधिनिर्णय। अब इनके लिए यानी कि इन तीनों प्रकारों के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, तो जो नियम निर्माण है वो कौन करता है, विधायिका करती है, विधायिका बोल लो, व्यवस्थापिका बोल लो या संसद बोल लो, एक ही बात है। नियम क्रियान्वयन यानी कि नियमों का निर्माण किसने कर दिया, विधायिका ने। अब इन नियमों को लागू करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका, कार्यपालिका या फिर इसको प्रशासन बोल सकते हैं। और जो नियम लागू किए गए हैं उन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है इसका निर्णय कौन करता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो आउटपुट में तीन प्रकार ये होते हैं और इन तीनों प्रकारों को पूरा करने के लिए तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अब ये जो तीन प्रकार की संरचनाएं हैं ये कैसी हैं, ये औपचारिक हैं, कैसी हैं, औपचारिक संरचनाएं, औपचारिक संरचनाएं। देखो औपचारिक का मतलब होता है ऐसी संरचनाएं जो कानून द्वारा निर्मित की गई हो या विधि द्वारा निर्मित की गई हो। तो आउटपुट के जो प्रकार ये हैं तीन प्रकार के, उनको पूरा करने के लिए जो तीन प्रकार की संरचनाएं हैं वे कैसी हैं, औपचारिक संरचनाएं हैं। और जो इनपुट था हमारा उसमें जो संरचनाएं शामिल होती हैं वे अनौपचारिक होती हैं, कौन सी होती हैं, अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब ऐसी संरचनाएं जिसका निर्माण कानून द्वारा नहीं किया गया है उनको बोलते हैं अनौपचारिक संरचनाएं। तो यह हुआ हमारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का सिद्धांत, जिसमें इनपुट में हमने चार प्रकार के प्रकार्य पढ़े हैं या चार प्रकार के फंक्शन पढ़े हैं और उनको पूरा करने के लिए संरचनाएं पढ़ी हैं। उसके बाद में आउटपुट में तीन प्रकार के प्रकार्य पढ़े हैं और उनको पूरा करने के लिए तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं कैसी हैं, औपचारिक हैं। और जो इनपुट में संरचनाएं थी वे कैसी थी, अनौपचारिक संरचनाएं थी। अब देखते हैं इसके कुछ समस्या या इसकी आलोचना, इस उपागम की या इस सिद्धांत की क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं। तो पहली समस्या है कि आमंड और पावेल ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में या अपने उपागम में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है या जो दबाव समूह है, दबाव समूह है यानी कि हित समूह है, इनकी तो चर्चा की है लेकिन जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह है होते हैं, स्वयं सहायता समूह है होते हैं, उनकी चर्चा नहीं की है। तो पहली समस्या क्या है कि ये जो उपागम है इसमें आमंड और पावेल ने राजनीतिक दल दबाव समूह की चर्चा तो की है लेकिन एनजीओ और एसएलजी की चर्चा नहीं की है। दूसरी समस्या है कि आमंड और पावेल ने माना है कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वे क्या कार्य करते हैं, हित समूहीकरण का कार्य करते हैं। समूहीकरण मतलब एकीकरण यानी कि सभी हितों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में यह बात सही नहीं है। सही बात तो यह है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वे हित समूहीकरण नहीं करते हैं बल्कि हित विभाजन करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देखो राजनीतिक दलों का
मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव में जीत प्राप्त करना, और चुनाव में जीत प्राप्त करने के लिए वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, वोटों को विभाजित कर देते हैं। तो वास्तव में राजनीतिक दल हित समूहीकरण का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तीसरा यह है कि आमंड और पावेल कहते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब उसमें राजनीतिक दल हो, हित समूह हो। लेकिन ये राजनीतिक दल और हित समूह है सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में नहीं पाए जाते हैं। जहां पर राजतंत्र होता है या तानाशाही होती है, वहां पर राजनीतिक दल और हित समूह है नहीं पाए जाते हैं। इसकी तीसरी समस्या यह है कि आमंड और पावेल मानते हैं कि जो राजनीतिक संचार होता है वह राजनीतिक व्यवस्था में रक्त के समान होता है। जिस प्रकार शरीर में रक्त होता है, उसी प्रकार राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जो तानाशाही व्यवस्था वाले देश हैं, या जहां पर तानाशाही पाई जाती है, या जो कम विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, वहां पर राजनीतिक संचार बहुत कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहां राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है। तो ये वो इसकी कुछ समस्याएं। इसके अलावा इसकी कुछ अगर और समस्याएं होंगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में डाल दी जाएगी, आप वहां से देख लेना। तो ये हो गया हमारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम या आमंड और पावेल का व्यवस्था सिद्धांत।